नवरात्रि महोत्सव की सातवीं दिशा में प्रख्यात लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव की सातवीं संध्या पर दशाश्वमेध स्थित राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्ता काशीय मंच पर सांस्कृतिक संध्या में प्रथम प्रस्तुति काशी की गायक कलाकार सुमन अग्रहरी के देवी भजन से हुआ। इसके बाद डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन तथा अदिति चक्रवर्ती का गायन हुआ। गायक कलाकार मन्नू यादव, संतोष मिश्र, शैल बाला मिश्रा व ममता शर्मा ने भी मंच के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाई। युवा नृत्यांगना सोनी सेठ ने कथक नृत्य के माध्यम से देवी की आराधना की। तबला वादक के रूप में डॉक्टर आशीष नारायण मिश्र ने परंपरागत कई ताल बजाकर खूब तालियां बटोरी। माहौल तब जमा जब प्रख्यात लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने मंच संभाला। भरत शर्मा ने अपने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीतों के माध्यम से भगवती की महिमा का बखान किया और सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इससे पूर्व महोत्सव का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जगजीतन पांडे, डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। आगतों का धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने दिया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, प्रमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, दीपक मिश्रा, नरसिंह दास सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। Oh, God.